कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में भी कल अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत होगी, तो वहीं देवी देवताओं ने अब ढालपुर पहुंचना शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। दशहरा उत्सव का कल आगाज होने वाला है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस बार दशहरा उत्सव के लिए कैनोपी टेंट जो है वो पिछले साल की तरह ही लगाए गए हैं और इससे जो पूरे ढालपुर मैदान है जगमग हो रहा है। साथ ही अगर बात करें तो इस बार नई व्यवस्था के तहत देवी देवताओं के लिए भी नए टेंट्स दिए गए हैं ताकि वह यहाँ पर रह सके, क्योंकि बीते साल की अगर बात करें तो आगजनी घटना सामने आई थी, उसके बाद काफी नुकसान यहाँ हुआ था। ऐसे में इस बार इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही मौजूद है और तमाम जो कार्य है वो इनकी ओर से किए जा चुके हैं। जो वाटरप्रूफ टेंट्स है वो देवी देवताओं के लिए भी दिए गए हैं ताकि वो यहाँ पर रह सके। साथ ही उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रुप्स है वो भी कुल्लू दशहरा में उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे। करीब 20 से अधिक जो देश है उन्होंने यहाँ आने के लिए हामी भर दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के कल जो है वो रघुनाथ रथ यात्रा से उसका शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद परसों जो है यहाँ पर कुल्लू कार्निवल का भी आयोजन होगा और आखिरी दिन जो है वो एक कल्चरल परेड भी यहाँ पर होने वाली है। ऐसे में कुल्लू दशहरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ लगातार की जा रही है और वहीं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर उत्तर लगातार तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उनको बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दशहरा कल शुरू हो रहा है और 7 दिनों तक यहां पर भरपूर रौनक रहने वाली है।